Hello, welcome to my YouTube channel. This is in continuation with practical file class 12th IP, program number 17. This program is also related to data frame. So let us begin with the problem. Write a Python program to create the following data frame, namely addf, that stores the add by NGOs for different states. डिफरेंट स्टेट्स के एनजीओस क्या क्या ऐड देते हैं, क्या क्या सामान देते हैं, क्या क्या सुविधाएं देते हैं, उसके लिए एक डेटा फ्रेम बनाना है. एंड आउट ऑफ दैट डेटा फ्रेम हमें कुछ क्वेरीज करनी है. नाउ डिस्प्ले द फॉलोइंग, शो द डेटा फॉर ट्वाइस कॉलम, शो द डेटा ऑफ बुक्स एंड यूनिफॉर्म कॉलम्स, show the data of twice and uniform columns for top three rows using LOC, show the data of first three rows and three columns using ILOC, then set the state as index and display the data frame. Now show the data for twice, uniform and shoes columns of Andhra, Bihar and West Bengal. Now reset the index and show the data frame. So this is the data frame, how it is to be created. For various states, there is some NGO donating twice books, uniform and shoes this number of items donated. जितने जितने item donate किए गए हैं उनके यहाँ पर number दी गई, counting दी गई है. तो ये आपका डेटा फ्रेम है, इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेरीज का कमांड लिखना है. हियर यू कैन सी इंपोर्ट पैंडास एज पीडी. जैसा हम पहले इंपोर्ट करेंगे पैंडास को, एल स्टेट स्टेट्स के लिए एक लिस्ट बना लेंगे. एल स्टेट ट्वाइस के लिए जितने नंबर ऑफ ट्वाइस डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उसके लिए एल ट्वाइस, एल बुक्स, एल यूनिफॉर्म, एल शूज, दीज आर वेरियस लिस्ट्स. और इन लिस्ट से हम लोग डिक्शनरी बनाएंगे. डिक्शनरी के लिए वेरिएबल लिया dict1 इक्वल टू स्टेट कॉलन एल स्टेट, वहां पर आ गया ट्वाइस कॉलन ट्वाइस की हो गई, एल ट्वाइस उसका लिस्ट हो गया करेस्पॉन्डिंग. तो यहाँ पर जो कीज हैं वो कॉलम के नाम बन जाते हैं, कॉलम हेडिंग बन जाती हैं. एंड एल स्टेट जो आपकी लिस्ट्स हैं वो कॉलम के कंटेंट बन जाते हैं. सो लाइक दैट हमने डिक्शनरी डिफाइन कर दी. देयर आफ्टर एड डीएफ, डेटा फ्रेम का नाम रखा इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम ब्रैकेट में डिक्शनरी आपने पास कर दी. एक लाइन ड्रॉ करने के लिए डैश इक्वल टू इनटू 40 कैरेक्टर्स का एक स्ट्रिंग रेप्लिकेट कर लिया. तो 42 से 80 कैरेक्टर्स की एक लाइन बनेगी, इसमें डैश और इक्वल टू से लाइनें बनेगी. प्रिंट लाइन ओरिजिनल डेटा फ्रेम इज एड टीएफ डीएफ, उसके बाद लाइन प्रिंट कर दी. फिर ए पार्ट है शो द ट्वाइस, शो द डेटा ऑफ ट्वाइस कॉलम. ट्वाइस का डेटा शो करने के लिए एड अंडरस्कोर डीएफ ब्रैकेट, ब्रैकेट में आपका आ गया क्या विद इन अनदर ब्रैकेट ट्वाइस. सो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट ट्वाइस, या एड अंडरस्कोर डीएफ डॉट ट्वाइस भी लिख सकते हो. देन प्रिंट लाइन अगेन वन लाइन. आफ्टर सॉल्विंग एवरी क्वेरी, ए पार्ट की क्वेरी सॉल्व करने के बाद हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी जस्ट टू सेपरेट द क्वेरी रिजल्ट्स. बी पार्ट शो द डेटा ऑफ बुक्स एंड यूनिफॉर्म कॉलम्स, सो एड विद इन नेस्टेड लिस्ट में आपने लिख दिया बुक्स कॉमा यूनिफॉर्म, इससे आपका बुक्स कॉलम और यूनिफॉर्म कॉलम डिस्प्ले होगा. सी पार्ट कहता शो द डेटा ऑफ ट्वाइस एंड यूनिफॉर्म कॉलम फॉर टॉप थ्री रोज यूजिंग LOC. LOC का इस्तेमाल करके टॉप थ्री रोज का बुक्स और यूनिफॉर्म डिस्प्ले करना है. तो कौन कौन सी रो डिस्प्ले करनी है डॉट LOC में स्पेसिफाई कर दो विद इन वन ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में बॉक्स ब्रैकेट में कॉलन टू कॉमा, देन दूसरे बॉक्स ब्रैकेट में आप बुक्स कॉमा यूनिफॉर्म लिख दीजिए. तो ये कॉलम स्पेसिफाई करना हो गया, ये रो स्पेसिफाई करना हो गया.
square bracket close, again one line. Similarly, show the data of first three rows and three columns using ILOC. आप जानते हैं ILOC में हमें इंडेक्स नंबर ही देना होता है, वी कांट राइट द चाहे रो का इंडेक्स नंबर हो चाहे कॉलम का इंडेक्स नंबर हो. तो यहाँ हम लोग डॉट ILOC करके कॉलम थ्री, ये रो का इंडेक्स नंबर हो गया, 0, 1, 2 के लिए स्पेसिफाई कर दिया, और ये कॉलम का इंडेक्स नंबर हो गया कॉलम थ्री, दैट मीन्स 0, 1, 2 कॉलम के लिए. कॉलम का इंडेक्स 0, 1, 2 दैट इज फर्स्ट थ्री कॉलम्स, रो का इंडेक्स 0, 1, 2 दैट इज फर्स्ट थ्री रोज. देन अगेन वन लाइन ड्रॉन. ई पार्ट कहता है कि नाउ सेट द स्टेट एज इंडेक्स एंड डिस्प्ले द डेटा फ्रेम. अब स्टेट को इंडेक्स बना देना है. एट डी एफ इक्वल टू एट डी एफ डॉट सेट इंडेक्स विद इन ब्रैकेट स्टेट. इसे हमें वापस डेटा फ्रेम में असाइन करना होता है, अदरवाइज परमानेंटली चेंज नहीं होगा. ओके, सो वी हैव डन इट. एट df dot set index within bracket state, या तो in place equal to true लिखना होगा, या तो आप ऐसे direct उसी data frame में फिर से assign कर देंगे जिस data frame में आप indexing set कर रहे हैं. तो default index 0, 1, 2, 3 की बजाय क्या हो जाएगा, state के name जो है वो index बन जाएंगे. print add df, print कर दिया, line draw कर दी. now show the data for twice uniform and shoes columns of Andhra, Bihar and UP एंड वेस्ट बंगाल. नाउ एट डी एफ डॉट एल ओ सी का यूज करके जहां पर आप रोज का रो नंबर स्पेसिफाई करते थे, रो इंडेक्स स्पेसिफाई करते थे 0, 1, 2 जो डिफॉल्ट होता था, उसकी जगह विद इन स्क्वायर ब्रेकेट आप लिस्ट के फॉर्म में कौन कौन सी रो उसके इंडेक्स आंध्रा बिहार वेस्ट बंगाल दे दिया, ये रो का इंडेक्स हो गया, कॉमा इन अनदर स्क्वायर ब्रैकेट इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट आई हैव गिवन द इंडेक्स नेम ऑफ द कॉलम्स. यानी कॉलम के लेबल्स के नाम लिख दिया आपने और रो के लेबल्स के नाम लिख दिया, रो में जो इंडेक्स बनाया है आपने इन प्लेस ऑफ डिफॉल्ट इंडेक्स. लाइन अगेन हैज बीन ड्रॉन. नाउ रीसेट द इंडेक्स एंड शो द डेटा फ्रेम. अब जो है आपको क्या करना है, इंडेक्स को रीसेट करके डेटा फ्रेम शो करना है. एट डी एफ इक्वल टू एट डी एफ डॉट रीसेट अंडर स्कोर इंडेक्स ब्रेकेट ब्रेकेट ओपन ब्रेकेट क्लोज, ये मेथड कॉल कर दिया, और आपका जो स्टेट आपने अभी इंडेक्स सेट किया था इन प्लेस ऑफ डिफॉल्ट इंडेक्स 0, 1, 2, 3 उसकी जगह फिर से 0, 1, 2, 3 इंडेक्स हो जाएगा ड्यू टू दिस लाइन, और स्टेट जो है वो आपका कॉलम बन जाएगा. अगेन वन लाइन हैज बीन ड्रॉन. सो लेट अस सी द रिजल्ट ऑफ ईच एंड एवरी क्वेरी. ओरिजिनल डेटा फ्रेम पहले आप देखिए, ये आपका ओरिजिनल डेटा फ्रेम क्रिएट किया गया है. शो द डेटा ऑफ ट्वाइस कॉलम. अब ए यहां से देखिए क्या लिखा गया है. शो द डेटा ऑफ ट्वाइस कॉलम. एड अंडरस्कोर डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट ट्वाइस स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. देयर आफ्टर अगला भी देख लीजिए. शो द डेटा ऑफ बुक्स एंड यूनिफॉर्म कॉलम. एड अंडरस्कोर डीएफ डबल स्क्वायर ब्रैकेट बुक्स कॉमा यूनिफॉर्म. दो कॉलम्स आपको दिखाई पड़ेंगे, बुक्स कॉमा बुक्स और यूनिफॉर्म कॉलम दिख रहा है आपको. Thereafter, next query is show the data of twice and uniform column for top three rows. पहले row specify कर लिया using LOC. Add df dot LOC colon 2 और books comma uniform. तो ये top three rows का books और uniform आपको दिखाएगा. यहाँ से देख सकते हैं top three rows 0, 1, 2 इसमें books और uniform दिखा रहा है. Similarly, top three rows and three columns using ILOC. आपने जिसमें colon 3 और comma colon 3 लिखा था, colon 3 से आपका 0, 1, 2 row आ गया, colon 3 दूसरा जो दिया comma लगा करके उससे ये तीन columns आ गया. आपको मैं दिखा देता हूँ coding. Here you can see add df dot ILOC colon 3 comma colon 3. Okay? नेक्स्ट आपने क्या किया है, इंडेक्स सेट किया, स्टेट को इंडेक्स बना दिया, उसके डेटा फ्रेम प्रिंट कर दिया. यू कैन सी हियर आपने स्टेट को बना दिया क्या, इंडेक्स. इस तरह से ये डेटा फ्रेम आपका चेंज हो गया. पहले 0, 1, 2, 3 इंडेक्सेस थे, इंडिसेस चेंज करके आपने उस पर इंडेक्स लेबल अपना लगा दिया, स्टेट को बना दिया. नाउ दीज आर द कॉलम्स एंड स्टेट हैज बिकम द इंडेक्स. इसके बाद आपने क्या किया है, इसके बाद आपने इसी में फर्स्ट थ्री रो
और फर्स्ट थ्री कॉलम शो कर रहे हैं, टॉयज यूनिफॉर्म एंड शूज कॉलम और आंध्र बिहार और वेस्ट बंगाल। दिस इज नॉट फर्स्ट थ्री रो, इट इज स्पेसिफाइड रो जिसका इंडेक्स आंध्रा हो, बिहार हो और वेस्ट बंगाल हो, ये था। और ट्वाइस यूनिफॉर्म और शूज ये आपने स्पेसिफाई किया था कोडिंग में। यहाँ देखिए एलओसी से किया है, आंध्रा बिहार वेस्ट बंगाल, इसकी एक लिस्ट दी है कॉमा लगा करके, कॉलम्स की लिस्ट दे दी है आपने, तीन कॉलम्स ट्वाइस यूनिफॉर्म एंड शूज। उसके बाद लास्ट आपने क्वेरी किया है कि इंडेक्स को वापस 0, 1, 2, 3 कर दिया, उसके लिए मेथड है रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स। तो ये रिजल्ट हम देख लेते हैं फटाफट, आपका ये हो गया था। इसके बाद आपने क्या किया, रीसेट इंडेक्स और डेटा फ्रेम डिस्प्ले कर दिया। तो ये डेटा फ्रेम में जो इंडेक्सिंग है, अगेन ये जो डिफॉल्ट इंडेक्सिंग होती है 0, 1, 2, 3, 4 हो गई एंड ऑल द कॉलम्स ऑफ दैट डेटा फ्रेम हैव बीन डिस्प्लेड आफ्टर रीसेटिंग द इंडेक्स। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। If you have liked this video and you have not subscribed the channel yet, please subscribe the channel and share the videos with your friends. Thank you. Thank you for watching.